सकता है कि मेरा दांत कहाँ तक खराब है, क्या किया गया है, उसमें मरीज भी देख सकता है। इसका यही सब बेनिफिट है। टेक्नोलॉजी जब लेटेस्ट टेक्नोलॉजी आएगा तो इसमें मरीज को भी नहीं होता है कि कोई आदमी गलत नहीं कह सकता है कि वो देख सकता है कि हाँ मेरा क्या इलाज, पहले क्या दांत का कंडीशन था, अभी क्या है और क्या हुआ है। तो ये टेक्नोलॉजी के आने से ये मरीज को भी सुविधा है और हम लोग को भी है कि हम लोग मरीज को अच्छे से अच्छे टेक्नोलॉजी का सुविधा दे रहे हैं। डॉक्टर सर, अभी जिस मशीन के बारे में हम लोग चर्चा कर रहे थे, आप दिखा रहे थे, ये बहुत सारे मतलब जगहों पर अभी उपलब्ध नहीं हो पाया है। सिवान की बात करें तो आपका एक बहुत ही यूनिक और मॉडर्न टेक्नोलॉजी से सुसज्जित है, तो क्या लोगों से कहेंगे ताकि अधिक से अधिक लोगों को लाभ मिले इसका? मैं तो लोगों से यही कहूंगा कि एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज सिवान में बहुत ही हर्षोल्लास के साथ हाईटेक मुंह एवं दंत रोग अस्पताल का शुरुआत हो रहा है और इस उद्घाटन समारोह में तमाम लोग यहां आए हुए हैं। सबसे बड़ी विशेषता इस दांत अस्पताल की यह है कि बिल्कुल हाईटेक है, अत्याधुनिक मशीनों से सुसज्जित है। आज के समय में जो हाईटेक टेक्नोलॉजी चाहिए उस तमाम हाईटेक टेक्नोलॉजी से परिपूर्ण है डॉक्टर मोहम्मद मुमताज अहमद का, जिसमें एक्सरे से लेकर के तमाम अत्याधुनिक सुविधा डॉक्टर साहब दे रहे हैं और इस डेंटल हॉस्पिटल के शुरू होने से लोगों को काफी सुविधा मिलेगी। तो आइए हम डॉक्टर साहब से बात करते हैं और जानना चाहेंगे कि इस हॉस्पिटल में डॉक्टर साहब जो सुविधा दे रहे हैं, क्योंकि बहुत पहले से सिवान के बहुत ही विश्वसनीय मुंह एवं दांत रोग विशेषज्ञ चिकित्सक के रूप में ये प्रसिद्ध है और काफी दूर दराज के मरीज भी इनके पास आते हैं। विश्वसनीयता के मामले में डॉक्टर साहब का अलग एक पहचान है और सिवान में बहुत ही हाईटेक अत्याधुनिक मशीनों से सुसज्जित जो अस्पताल इन्होंने शुरू किया है, इसके लिए लोग इनको शुभकामना और बधाई भी दे रहे हैं। डॉक्टर साहब, किस तरह की सुविधा यहाँ मरीजों को मिलेगी? ये सुविधा आज कोई नई नहीं है, पिछले 15 साल से जो है सुविधा है। और ये है कि दिन पर दिन हम लोग जो अभी डेंटिस्ट्री में जो लेटेस्ट सारे इक्विपमेंट आ रहे हैं, जो लेटेस्ट टेक्नोलॉजी आ रहा है, उसको हम लोग जो है मरीजों तक उसको दे रहे हैं। जैसे जो मरीज था कि भाई पहले कि ये कंडीशन यहाँ नहीं था कि सारे चीज है, अब ये सिवान में भी डेवलप हो रहा है, सब कुछ का सुविधा यहाँ भी मिल रहा है। काफी दिनों से सर आप सिवान में प्रैक्टिस करते हैं, अब थोड़ा एक नया आपका जो मतलब यहाँ पर शुरुआत हो रहा है हॉस्पिटल का, सूचना के लिए जानकारी के लिए तमाम लोगों को बताया जा रहा है, काफी लोग आए भी हुए हैं। अभी एक्सरे वगैरह का और यहाँ इक्विपमेंट के बारे में बता रहे थे, क्या उसकी खूबी है जैसे अभी क्या है कि जैसे डिजिटल एक्सरे है, मरीज को जैसे पहले होता था छोटा एक्सरे हो रहा है तो उसमें मरीज को नहीं दिखता था कि हम मेरा दांत खराब है नहीं है, जो डॉक्टर बोले वो सही है। अभी जो एक्सरे है उसमें मरीज भी देख सकता है कि मेरा दांत कहाँ तक खराब है, क्या किया गया है, उसमें मरीज भी देख सकता है। इसका यही सब बेनिफिट है। टेक्नोलॉजी जब लेटेस्ट टेक्नोलॉजी आएगा तो इसमें मरीज को भी नहीं होता है कि कोई आदमी गलत नहीं कह सकता है कि वो देख सकता है कि हाँ मेरा क्या इलाज, पहले क्या दांत का कंडीशन था, अभी क्या है और क्या हुआ है। तो ये टेक्नोलॉजी के आने से ये मरीज को भी सुविधा है और हम लोग को भी है कि हम लोग मरीज को अच्छे से अच्छे टेक्नोलॉजी का सुविधा दे रहे हैं। डॉक्टर साहब, अभी जिस मशीन के बारे में हम लोग चर्चा कर रहे थे, आप दिखा रहे थे, ये बहुत सारे मतलब जगहों पर अभी उपलब्ध नहीं हो पाया है। सिवान की बात करें तो आपका एक बहुत ही यूनिक और मॉडर्न टेक्नोलॉजी से सुसज्जित है, तो क्या लोगों से कहेंगे ताकि अधिक से अधिक लोगों को लाभ मिले इसका? मैं तो लोगों से यही कहूंगा कि एक बार आकर देखें और इंशाल्लाह जितना हो सकता है बेहतर ट्रीटमेंट करने की आदमी कोशिश करता है और किया भी है, करेगा भी इंशाल्लाह। यही वजह है कि पिछले 15 साल से जो है एक हैप्पी जर्नी हम लोगों ने गुजारा यहाँ पे और ये 15 साल होने के उपलक्ष्य में जो है ये एक आज ये किया री इनोग्रेशन समझ लीजिए ये किया जा रहा है। क्योंकि सर आप डेंटल एसोसिएशन में एक बहुत ही रिस्पॉन्सिबल पद पर हैं और डेंटल एसोसिएशन में तमाम जो कार्यक्रम होते हैं उसमें आपकी भूमिका रहती है, बहुत बड़ी जवाबदेही रहती है, तो तमाम अपने साथियों को क्या कुछ कहेंगे, क्या उनको भी आप शुभकामना देंगे? ऐसे तो लोग आपको दे ही रहे हैं। मैं तो सबको यही करता हूँ कि कभी भी अगर डेंटल खास तौर से डेंटल जो सेगमेंट है एक अच्छे डॉक्टर से ही ट्रीटमेंट में अंडर में आप ट्रीटमेंट कराएं, इसलिए कि आदमी क्या होता है ना पैसे के लालच में कहीं भी कुछ दांत का ट्रीटमेंट करा लेता है, कुछ भी करा लेता है और लगता है उसको कि यही गलत ट्रीटमेंट है। ट्रीटमेंट कोई गलत नहीं है, आपने गलत जगह कराया इसलिए आपने उस ट्रीटमेंट के अभाव में आपको लगता है कि ये ट्रीटमेंट गलत है। अदरवाइज कभी भी है कि आप जो है डेंटल डॉक्टर से ही आप ट्रीटमेंट कोई कराएं
और उसका आपको बेनिफिट भी मिलेगा, उसकी लास्टिंग भी रहती है, उसकी लाइफ भी रहती है। बहुत पुराने सर आप प्रैक्टिशनर हैं सिवान के लिए, कितना ओरल हाइजीन के प्रति लोग अवेयर हुए हैं, जागरूक हुए हैं? पहले से तो बहुत मैंने अवेयरनेस आया है, पहले लोग जब हम आज से 15 साल पहले मैंने क्लिनिक यहाँ शुरू किया था तो लोग RCT चाहे इस तरह की चीजें बताने पर लोग लगता था कि ये पता नहीं क्या है, बहुत कम ही लोग इस पर इंटरेस्ट दिखाते थे, लेकिन आज के दिन में अल्हम्दुलिल्लाह करीब करीब सारे लोग जो है इस चीज को समझ भी गए हैं कि नहीं, दांत जो निकालने लायक है उसको इलाज करके बचाया भी जा सकता है ना। और इस तरह का लेटेस्ट जो टेक्नोलॉजी है जैसे इम्प्लांट हो गया, ब्रिज हो गया, तो ये सारी चीजें जो है लोग अवेयर हो रहे हैं, और इसके लिए हम लोग टाइम टाइम पेरिफेरी में कैंप भी करते हैं लोगों को अवेयर करने के लिए, और इंशाल्लाह ये चलता भी रहेगा। तो आप देख रहे हैं तमाम लोग यहाँ पहुंचे हुए हैं, और आज एक बार फिर से इस शुभ शुरुआत के अवसर पर लोगों के द्वारा डॉक्टर साहब को शुभकामना और बधाई दिया जा रहा है। और साथ ही साथ हम बताना चाहेंगे कि ओरल हाइजीन और डेंटल क्षेत्र में डॉक्टर साहब का नाम कोई नया नहीं है, सिवान ही नहीं बल्कि इसके आसपास के जिलों के भी मरीज इनके पास काफी ज्यादा तादाद में पहुंचते हैं, और अभी तक इनका जो मेडिकल डायग्नोसिस रहा है डेंटल डिपार्टमेंट में वो बहुत ही विश्वसनीय रहा है। और तमाम लोगों को इस शुरुआत से एक बार फिर से बहुत खुशी हुई है, क्योंकि हाईटेक टेक्नोलॉजी के साथ तमाम जो डेंटल इक्विपमेंट्स आज के समय में आए हुए हैं उसको बहुत ही सुसज्जित तरीके से इन्होंने सुव्यवस्थित ढंग से इम्प्लीमेंट किया है। अब लोगों से इन्होंने कहा है कि आप अधिक से अधिक विश्वसनीय चिकित्सक से ही परामर्श लें ताकि आपका हेल्थ और हाइजीन बेहतर रहे। यहाँ पर और भी लोग कुछ आए हैं, उनसे बात करते हैं। जी सर बताइए, अपना परिचय दे दीजिए, क्या कहेंगे डॉक्टर साहब के बारे में? मैं डॉक्टर अख्तर हुसैन जी, तरवारा से बिलोंग करता हूँ। डॉक्टर साहब पहले से ही एकदम मैंने कॉन्फिडेंस के साथ डेंटल इलाज दे रहे हैं। जी, उनके इलाज में इकोनॉमिकली भी बहुत फिट है, ठीक है। गरीब से गरीब, धनी से धनी, जितने भी लोग हैं सबको सफिशियंट इलाज है। बिल्कुल, चलिए सर बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद जी। बताइए सर, मैं अनवर अली। सबसे पहली बात है कि इस चैनल के माध्यम से मैं तमाम लोगों से ये कहना चाहता हूँ कि देखिए डॉक्टर तो बहुत है सिवान में डेंटल, लेकिन सर 2008 में यहाँ आए इसी दिन, और उस दिन से हमको इनसे ताल्लुक बहुत अच्छा है, और मैंने कितने मरीजों के मुंह से भी सुना है, चूंकि हम लोग पब्लिक हैं और पब्लिक के बीच में रहते हैं, कि सबसे बेहतर RCT सर के पास होता है। RCT और बाकी और इलाजों में भी आज तक कोई शिकायत का मौका नहीं मिला है। कितने पेशेंट से हमको मुलाकात भी होती है, चूंकि हम लोग रहते हैं समाज में, सोशल आदमी हैं हम लोग, समाज की सेवा करते हैं, हम एक शिक्षक भी हैं जी। तो सर सबसे बड़ी बात है कि ये बगैर तारीफ के मोहताज हैं, इनकी तारीफ करना मतलब हमको नहीं लगता है, चूंकि इनके काम ही इनका तारीफ है। और ये बहुत अच्छे ढंग से सिवान में आज 15 साल इनका गुजर गया, बहुत अच्छे ढंग से इन्होंने काम किया है, और आज तो खैर हर एक आदमी जानता है कि RCT क्या है और ये मतलब ये सब क्या है, लेकिन बहुत पहले जब ये सर यहाँ आए थे तो ये सब नाम निशान कोई नहीं जानता था, लेकिन सर ने इन पब्लिक के बीच में इस तरह का सिस्टम अच्छा किया, तो आज पब्लिक भी कह रहा है कि भाई हमको ये करना है, ये कराना है, ये करना है, तो सर इसके लिए बहुत धन्यवाद। ये हैं डॉक्टर मुमताज अहमद साहब के क्लिनिक के तमाम यहाँ पाए हुए लोग, थोड़ा सा दिखाइए तस्वीर, यही जो है जिसकी चर्चा हम लोग कर रहे थे, डेंटल मेडिकल इक्विपमेंट्स का एक्सरे है, और यहाँ पर इसी के द्वारा डॉक्टर साहब तमाम जो है गहनता से बारीकी से तमाम पेशेंट का ट्रीटमेंट करते हैं। तस्वीरों के माध्यम से देख सकते हैं डॉक्टर मुमताज इस्माइल के डेंटल क्लिनिक सिवान 2 नंबर अड्डा के पास जो चिकटोली मोड़ है वहीं पर डॉक्टर साहब का क्लिनिक है। स्टाफ है ना।